नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर पढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2023 की वेब कॉपी की जारी। बिहार में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग को लेकर किया गया दावा। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जारी किए जाति गणना के आंकड़े। लंदन के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट शो में पहुंचा बिहार पर्यटन। एंजेलो मैथ्यूज के टाइम्ड आउट विवाद पर शाकिब अल हसन का पलटवार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2023 की वेब कॉपी की जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटीईटी की परीक्षा का रिजल्ट कार्ड यानी कि परिणाम की वेब कॉपी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ऐसे में परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अब जब रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो उन अभ्यर्थियों को काफी आसानी होगी जो एसटीईटी पास कर चुके हैं और बिहार शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड द्वारा एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 4 से 15 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 376,877 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,726 अभ्यर्थी पास हुए। लंदन के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट शो में पहुंचा बिहार पर्यटन। 6 से 8 नवंबर तक ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में बिहार पर्यटन के द्वारा भी भाग लिया गया है, जिसमें बिहार को वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के हॉल नंबर S11 स्थित स्टैंड नंबर 210 में जगह दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंदन में हो रहे इस कार्यक्रम में बिहार पर्यटन की ओर से पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह, पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय और बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक अभिजीत कुमार सहित बिहार पर्यटन की एक टीम मौजूद है, जिनके द्वारा वैश्विक पर्यटकों को बिहार के रमणीय पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन लंदन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोड़ी स्वामी, भारत पर्यटन मंत्रालय के सचिव वी विद्यापति और पर्यटन सचिव बिहार अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। पटना में आंगनवाड़ी सेविका ने किया प्रदर्शन। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन इसी बीच बिहार की राजधानी पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दरअसल इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा विधानसभा का घेराव करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस दौरान कई आंगनवाड़ी सेविकाओं को चोट भी आई है। मालूम हो कि पुलिस के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनके पास प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी और इन्हें पुलिस के द्वारा गर्दनीबाग स्थल भेजा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले काफी समय से राज्य भर की आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, वहीं अब इनका प्रदर्शन बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है। दीपावली और छठ की छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दीपावली और छठ में होने वाले छुट्टियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब छुट्टियों में छात्र सिर्फ मौज मस्ती नहीं बल्कि समय का सदुपयोग कर अपने अंदर रचनात्मकता का विकास कर सकेंगे। दरअसल छात्रों की पढ़ाई में छुट्टी के दौरान भी निरंतरता बनी रहे, इसको लेकर छात्रों को क्लास और सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे, जिससे छात्रों को द्वारा छुट्टी में पूरा कर कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ शेयर किया जाएगा और इसके अलावा शिक्षकों के द्वारा भी छात्रों का वर्क चेक कर उनका विश्लेषण किया जाएगा। बता के संबंध में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सुगंधा के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने जारी किए जाति गणना के आंकड़े। आज बिहार सरकार के द्वारा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में जाति गणना की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि यादव 35.87% परिवार आर्थिक रूप से गरीब है। इसके अलावा कुशवाहा 34.32% परिवार, बनिया 24.62%, सूर्यापुरी मुस्लिम 29.33% और सोनार 26.58% परिवार, 25.32% भूमिहार ब्राह्मण, 25.3% राजपूत 24.89%, कायस्थ 13.83%, शेख 25.84%, पठान 22.20%, सैयद 17.61% गरीब परिवार है। वहीं बिहार की 22.67% आबादी के पास वर्ग 1 से 5 तक की शिक्षा है। इसके अलावा वर्ग 6 से 8 तक की शिक्षा 14.33% आबादी के पास है, वर्ग 9 से 10 तक की शिक्षा 14.71% आबादी के पास, वर्ग 11 से 12 तक की शिक्षा 9.19% आबादी के पास और ग्रेजुएट की शिक्षा 7% से ज्यादा आबादी के पास है। वहीं इस रिपोर्ट से यह भी जानकारी सामने आई है कि बिहार में किस वर्ग के पास कितनी आय है और वर्गवार गरीबों के आंकड़े कितने हैं। जमाबंदी में छेड़छाड़ के आरोप में छोरा दानो सीओ निलंबित।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर के बाद बीते दिन आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अंचल कार्यालय में जमाबंदी में छेड़छाड़ के मामले में पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो के अंचलाधिकारी पंकज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि शिकायत सामने आने के बाद विभागीय जाँच कराई गई और आरोप सही पाया गया, जिसके बाद राजस्व कर्मचारी एवं आईटी सहायक पर प्राथमिक दर्ज करवाई गई और जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समर्था को भेजा गया, जिनकी समीक्षा में यह पाया गया कि कार्यालय प्रधान होने के नाते इस गड़बड़ी के लिए अंचलाधिकारी को भी जवाबदेह माना गया है। इसलिए अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई और अब अंचलाधिकारी पंकज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित हुआ लेट्स झिझिया कार्यक्रम। विलुप्त प्राय लोक नृत्य झिझिया के स्वरूप अवधारणा और प्रदर्शन शिल्प को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के मंशा से 5 नवंबर रविवार को राजधानी पटना के विद्यापति भवन में युवा पत्रकार अमित कुमार की संस्था प्रबोध्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन के द्वारा लेट्स झिझिया नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के लोक कलाकारों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान झिझिया सामूहिक प्रतिरोधक सांस्कृतिक स्वर आ पुनर्स्थापना संभावना विषय पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। परिचर्चा में प्रसिद्ध लेखक भैरव लाल दास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष पुष्पम नारायण और वरिष्ठ रंगकर्मी व पत्रकार किशोर केशव ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर बी झा मृणाल, समाजसेवी गजेंद्र झा और चेतना समिति के अध्यक्ष निशा मदन झा ने भी अपने विचार रखे। बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का डंक। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। एसएमएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि बीते दिन राज्य में कुल 156 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 17,298 के पार पहुंच चुकी है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन कुल 62 मरीज मिले हैं, जिसके बाद राजधानी में अब तक डेंगू मरीज की संख्या 7,976 हो गई है। बता दें कि प्रदेश में नवंबर के महीने में अब तक डेंगू के 1,368 नए मरीज मिले हैं। वहीं पटना के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 86 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि पूरे प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 235 मरीजों का इलाज चल रहा। करीब 4 लाख संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय और पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए बीते दिन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा राज्य के सभी विभागों के सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिख विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर किए जाने की सूचना दी गई है, जिसमें सदस्य के रूप में सचिव सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव या सचिव होंगे। वहीं अब इनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 2 बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें से पहला बिंदु बाजार दर होगा, तो वहीं दूसरा बिंदु सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में लगभग 4 लाख संविदा कर्मी है। बिहार में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग को लेकर किया गया दावा। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कंफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एवं मार्केटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में हाल के वर्षों में लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में निवेश काफी बढ़ा है। राज्य में वर्ष 2018 से 19 से वर्ष 2022-23 के दौरान 76,437 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं और साथ ही इस दौरान 38,057 करोड़ रुपए की लंबित प्रस्तावों को पुनर्जीवित भी किया गया है। इस बारे में एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष डीएस रावत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 77,136 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी कर ली गई है, तो वहीं हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बता दें कि एक अनुमान के अनुसार बिहार में मौजूदा समय में लगभग 40 लाख छोटे एवं लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है। बिहार की जातीय गन्ना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बिहार में जब से जातीय गन्ना की सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, तब से लगातार बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब इस पर कांग्रेस के द्वारा भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। दरअसल भागलपुर से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा के द्वारा इस पर बयान देते हुए कहा गया है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जातीय गन्ना में उनका नाम छूट गया या छोड़ दिया गया है, इसलिए मैंने विधानसभा सत्र में ध्यान आकर्षण दिया था, परंतु यह स्वीकृत नहीं किया गया, लेकिन मैं इसके साथ हूं कि लोगों का नाम छूटा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखित शिकायत भी विभाग को दी गई है, जिसमें अधिकांश आबादी जिनका नाम छूटा है वह सामान्य जाति के हैं, इसलिए छूटे लोगों को जोड़ने हेतु राज्य में हुई जाति आधारित गन्ना 2022 के डाटा को वेबसाइट पर अपलोड कर उसमें सर्च एवं ऐड ऑप्शन रखे जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी मुर्दाबाद के लगे नारे। आज यानी कि 7 नवंबर को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में आज विधानसभा का सत्र शुरू होते ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी के सदस्य हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और वहां जोरदार हंगामा करते हुए तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं इसके अलावा इस दौरान बीजेपी के साथ सरकार में शामिल माले के विधायकों के द्वारा भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का मामला उठाया गया। हालांकि इसी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी सदस्य बाहर निकल गए और सदन के बाहर भी हंगामा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा भी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया गया। इस दौरान सेविकाओं पर पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस को आनंद मोहन की चेतावनी। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सीपीआई के द्वारा आयोजित की गई रैली में कांग्रेस को लेकर बयान दिया गया था। वहीं अब इस पर पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा भी यह माना जा रहा है कि हाल के दिनों में विपक्षी एकता की मुहिम थमसी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले एक साल में देश भर में घूम घूम कर विपक्षी एकता को गति दे रहे हैं। उनकी वजह से तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हुई है और एक मंच पर आई है, लेकिन अब सीएम नीतीश के द्वारा जिस मुहिम में गति दी गई थी उसमें ठहराव आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि गठबंधन की एकता बनाए रखना सभी बड़े विपक्षी दलों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसके लिए कांग्रेस दोषी है। अगर वह 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है तो यह ठीक नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज के टाइम्ड आउट विवाद पर शाकिब अल हसन का पलटवार। बीते दिन नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला गया विश्व कप 2023 का 38वां मुकाबला विवाद के कारण यादगार बन गया। दरअसल यह मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच था, जिसमें श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने। वहीं अब इस पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के द्वारा कहा गया कि उन्हें मैथ्यूज के खिलाफ टाइम्ड आउट की अपील करने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं युद्ध में हूं, मुझे जो भी करना पड़ा वो किया, इस पर बहस होगी। टाइम्ड आउट से हमें मदद मिली, इसे मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। हमारा एक फील्डर मेरे पास आया और कहा कि अगर आप अपील करोगे तो कानून कहता है कि वो आउट है, क्योंकि उन्होंने समय के रहते अपना गार्ड नहीं लिया था। इसलिए फिर मैंने अंपायर से अपील की। अंपायर ने मुझसे कहा कि अगर मैंने आउट दिया और आपने बल्लेबाज को वापस बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं उन्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। यह नियम में है कि बल्लेबाज को तय समय से पहले क्रीज में आना होता है और मैथ्यूज अब तक नहीं आए थे। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य में नवंबर के महीने में अब तक डेंगू के कितने मामले सामने आ चुके हैं? ऑप्शन ए 235, ऑप्शन बी 1368, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 156। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1368। अगला सवाल, बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित एसटीईटी परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं? ऑप्शन ए 376,877, ऑप्शन बी 275,870, ऑप्शन सी 3,726, ऑप्शन डी 2,726। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3,726। अगला सवाल, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का अंतिम दिन कब है? ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 नवंबर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी कुसल मेंडिस, ऑप्शन सी चरत असलंका, ऑप्शन डी धनंजय डी सिल्वा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज। अगला सवाल, बिहार विधानसभा में जारी किए गए जाति गणना की रिपोर्ट के अनुसार वर्ग 1 से 5 तक की शिक्षा बिहार के कितने प्रतिशत आबादी के पास है? ऑप्शन ए 14.71% आबादी के पास, ऑप्शन बी 14.33% आबादी के पास, ऑप्शन सी 22.67% आबादी के पास, ऑप्शन डी 7% से ज्यादा आबादी के पास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22.67% आबादी के पास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रनु गोलू कुमार, उत्कर्ष सिंह, अनवर करीम खान, रितेश कुमार, अमर कुमार, मदन कुमार, मोहित, गोनर शर्मा, कुमोद कुमार, चंदन कुमार, वेद प्रकाश सिंह, गौरी शंकर, मुटुर रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया जाना सही निर्णय है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।